Hallo, liebe Leute, wie geht es euch? Guten Tag. आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कंजुगेशन फॉन हाबेन, दैट मीन्स कंजुगेशन फॉन द वर्ब हाबेन। इसका मतलब ये है, हाबेन को हम कंजुगेट करेंगे सारे पर्सनल प्रोनाउंस के साथ। एज वी ऑलरेडी नो, देर नाइन पर्सनल प्रोनाउंस इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। और पिछला जो हमने कंजुगेशन किया था जाइन का, उसमें पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्लियरली मैंने समझाया है। उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। नॉमिनेटिव, अकुजेटिव, उसमें ये जो दो वीडियो हैं उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जाके ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं। इह हाबा एन बुख, अभी जो वर्ब है बेसिकली क्या है? वर्ब है हाबेन, ठीक है। अगर इसमें से हम ई एन निकाल दें तो क्या बचता है? वर्ब है बेसिकली हाबेन, इसमें से ई एन निकाल दें तो क्या बचेगा? ठीक है, ये हो गया हमारा रूट वर्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा रूट वर्ड। अब इसकी मदद से हम कंजुगेशन करेंगे, ठीक है। इह हाबा, ई एन निकालने के बाद बच गया हाब, ठीक है। इह के लिए हमेशा हम ई ऐड कर देते हैं तो उसका कंजुगेटेड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इह हाबा, उसके बाद से एक हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है आपको पता है, अदरवाइज पिछले वीडियो में मिलेगा। आइन बुख वस हाबे ही वस हस डू, द क्वेश्चन इज वस हस डू इह हाबे आइन बुख डू, डू का क्या होता है हस्ट, ओके। इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि थोड़ा सा एक्सेप्शन है, हाब में एस टी नहीं लगाते हैं, ये बी यहाँ पे उड़ जाता है, ठीक है। सो इट बिकम्स हस्ट, नॉट हाब्स्ट बट हस्ट, ठीक है। डू हस्ट आइन हेफ्ट, हेफ्ट मीन्स नोटबुक। एयर, एयर हट आइन श्वेस्टर, एयर का जो कंजुगेशन है अगेन यहाँ पे थोड़ा लग है, हाब में टी लगा के हाफ्ट नहीं करते हैं बल्कि हट हो जाता है। सो इसका ध्यान रखिए, एयर हट आइन श्वेस्टर, श्वेस्टर मीन्स सिस्टर। और यहाँ पे आइने क्यों आया? बिकॉज श्वेस्टर इज यूजुअली, आइन इज द इनडेफिनेट आर्टिकल, आइन होना चाहिए, मगर श्वेस्टर का आर्टिकल डी है, फेमिनिन है, इसलिए उसके लिए आइन आता है, ठीक है। जी, जी हट आइन एन ब्रूडर, अभी ये देखिए आइन ब्रूडर होना चाहिए मगर आइन एन क्यों बना? बिकॉज ब्रूडर का आर्टिकल डेयर है, डेयर बिकम्स डेन, आइन बिकम्स आइन एन, कब? जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, एंड दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन इन द अकुजाटिव वाला जो वीडियो है। एस, एस हट आइना पुपा, एस हट आइना पुपा, पुपा इज टॉय, डॉल, खिलौना इन दैट सेंस, ठीक है। ईयर हाप्ट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एयर, जी, एस, ए तीनों का कंजुगेशन जो है सेम होता है। अगली बार से जो भी वर्ब हम कंजुगेट करेंगे उसमें वी आर गोइंग टू क्लब एयर, जी, एस टुगेदर, ठीक है, इन तीनों को साथ में रखेंगे। ईयर, ईयर का क्या है? हाफ्ट होता है। ईयर हाफ्ट डी हैंडीज, हैंडीज, इट्स नॉट हांडी, इट्स नॉट हैंडी, इट्स हैंडी, ठीक है। हैंडी मीन्स मोबाइल, एस लगा दिए तो क्या हो गया? प्लूरल, हैंडीज। और ये इंग्लिश पैटर्न पे जाके ऐसा आई ई एस नहीं करने का है, ठीक है। सो इट्स सिंपल, हैंडी एंड देन एस, हैंडीज मीन्स मोबाइल्स। वी आर हाबेन आयन हाउस, सो वी आर जो लास्ट वाले तीन हैं, वी आर, जी एंड जी, कैपिटल जी आप वाला, इनका हमेशा जो वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है, वही रहता है, वो तो रूल है, उसमें चेंज नहीं होता है। सो वी आर हाबेन आयन हाउस, जी हाबेन स्वाई किंडर, स्वाई किंडर बेसिकली किंड होता है, डस किंड, ठीक है। अब उसका प्लूरल फॉर्म बन गया ई आर लगा के, किंडर, क्यों वही प्लूरल? बिकॉज इट्स मोर देन वन, स्वाई, स्वाई मीन्स टू, ओके। और एक चीज यहाँ पे और नोट करने की बात है, जेड साउंड जब भी आए, जेड लेटर, उसका साउंड होता है स, एज इन वत्सला, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। देन वी हैव जी, जी हाबन आइन आउटो, आउटो इज कार, ये कौन सा वाला जी है? ये है आप या आप लोग, ठीक है।
अभी हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं हिंदी, इंग्लिश और जर्मन के बीच में। अगेन एल से सिमिलरिटी का मतलब ये नहीं है कि एक भाषा दूसरे की जैसी हो जाएगी, ठीक है। कुछ सिमिलरिटी मिलेंगी, कुछ डिफरेंस मिलेगा, कुछ एक्सेप्शन मिलेगा। उससे हमको थोड़ा सीखने में मदद मिलता है कि देर इज नथिंग ऑकवर्ड, हमारे यहाँ कुछ तो सिमिलर है, ठीक है। इख हैव एन हाउस, हज हज डू एन ऑटो, हज डू एन ऑटो, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, वर्ब को पहले लगा देते हैं, क्वेश्चन बनता है। या इख हैव एन ऑटो, या मीन्स यस इख हैव एन ऑटो, आई हैव अ कार। नाइन, इख हैव अ काइन ऑटो, नाइन मीन्स नो। और यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, या के बाद और नाइन के बाद कॉमा होता है, फिर एक स्पेस होता है, उसके बाद से स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। वी कान मेक दिस इश कैपिटल लाइक दिस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए शुरू से ही। नाइन, इफ हैव ए काइन आउटो, अब ये काइन क्या कर रहा है, आयन में के लग गया तो इसको निगेट कर रहा है। इफ हैव ए काइन आउटो, आई हैव नो कार्स, ठीक है, इन दैट सेंस। एयर हट आई न वोनो, एयर हट आई न वोनो, वोनो इज फ्लैट। अभी आईना क्यों बना, अगेन बिकॉज वोनो का आर्टिकल क्या है, डी है, फेमिनिन है, इसलिए ये बन गया आईना। हज डू डेन रोमान, हज डू डेन रोमान, ये डेन रोमान क्यों बना, अगेन सेम पैटर्न, बेसिकली द वर्ड इज डेर रोमान मीन्स नॉवेल, मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, हज टू डेन रोमान, वस हज टू, आप क्वेश्चन करिए वस या वेन, सो आंसर मिलेगा डेर रोमान। तो दिस इज डेर आर्टिकल वाला नाउन कभी भी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है सो वो डेर बिकम्स डेन एंड आइन बिकम्स आइनेन, राइट। नाउ लेट्स हैव सम सिमिलैरिटी। अभी क्या है, अपन इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव अ हाउस, ठीक है, आई हैव अ हाउस, उसी को हमने बोल दिया इख हैव अ आइन हाउस, सिंपल, वेरी सिमिलर। शी हैज अ बिग कार, ओके फाइन, कैसे लिखेंगे इसको, जी हट आइन ग्रोसेस आउटो, ओके, जी हट आइन ग्रोसेस आउटो, आई हैव ए चाइल्ड, यस। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, इख हैब आइन किंड, इख हैब आइन किंड, अभी क्या है, अभी इसको हिंदी में कैसे बोले, इख हैब एन हाउस मीन्स मेरे पास एक घर है, मेरे पास घर है। शी हैज ए बिग कार मतलब जी हट एन ग्रोसेस आउटो, उसके पास बड़ी कार है, ठीक है। मगर ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, आई हैव ए चाइल्ड इख हैब एन किंड, इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास एक बच्चा, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं ऐसा इसलिए नहीं बोलते हैं कि ऐसा सुन के लगता है कि जैसे बच्चा कोई चीज है, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते। वो यूरोपियन लैंग्वेज में उनके कहने का तरीका है। अगेन इट डजेंट मैटर कि दे ट्रीट देयर चिल्ड्रन लाइक थिंग्स और दे डोंट लव देम, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो उनके कहने का तरीका है। तो ऐसा हम हिंदी में नहीं बोल सकते, मगर फिर भी आज का क्वेश्चन ये है, इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा और सोचिएगा कि ऐसा हम किस सिनेरियो में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ठीक है। इसको इस सेंस में तो नहीं बोल सकते, ऐसा कोई कंटेक्स्ट, ऐसा कोई संदर्भ है क्या जिसमें हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव सम मोर सेंटेंसेस। केवल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट करने से कोई भाषा पे पकड़ नहीं बनती है, उसके सेंटेंसेस, उसके फ्रेजेस हमारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। सो इफ हैव ए काइंड गेल्ट, इफ हैव ए काइंड गेल्ट, काइंड क्या, उसको निगेट कर रहा है, मतलब आई हैव नो मनी, इसकी जगह आप दूसरे वर्ड्स भी डाल सकते हैं। इफ हैव ए गेल्ट, इफ हैव ए फील गेल्ट, फील मीन्स ज्यादा, मच, इफ हैव ए फील गेल्ट, डू हैस्ट फील गेल्ट,
Er hat einen Sohn und eine Tochter. Er hat einen Sohn und eine Tochter. अगेन डेयर जोन है तो आइन का आइनन बन गया, डी टॉक्टर है तो आइन का आइना बन गया, सिंपल। जी हट आइना वोनो, जी हट आइना वोनो। एर हट स्वाई पोपेन, ऊपर के सेंटेंस में क्या था, एर हट आइना पुपा, मगर यहाँ पे ऊपर में एन लगा के क्या बन गया, प्लूरल। सो स्वाई इज टू। हाफ ईयर साइट, हाफ ईयर साइट, सो ईयर का कंजुगेशन क्या होता है, हाफ, और साइट मीन्स टाइम। सो डू यू हैव टाइम? नाइन, वी हैव एन काइनथ साइट, वीयर के साथ ऑटोमेटिकली नेचुरल वर्ब लग जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। सो नाइन, वी हैव एन काइनथ साइट। अभी काइन का काइना कैसे हो गया, बिकॉज अगेन साइट का आर्टिकल इज डी, क्लियर है। जी हैव एन आइनन जोन, अगेन डेयर जोन सो आइनन, जी हैव एन आइनन जोन। अभी जी कौन सा है, कैपिटल में है मगर बेसिकली है स्मॉल वाला, ठीक है। कैपिटल क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। जी हैव एन आइनन जोन मतलब उन लोगों के पास, मतलब उनके एक बेटा है, इन दैट सेंस। जी हैव एन आइन किंड, दे हैव अ चाइल्ड। जी हैव बिन काइना किंडर, जी हैव बिन काइना किंडर, दे हैव नो चिल्ड्रन। हैव बिन जी किंडर, अगेन कोई सेंटेंस हम ले रहे हैं तो उसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव हमको बना के देखना चाहिए, बिकॉज एज पर सीनेरियो एज पर सिचुएशन वी कैन यूज देम। हैव बिन जी किंडर या आई हैव बिन किंडर, देन यू कैन फर्दर एड आई हैव एट स्वाई ट्योक्टर। अभी ट्योक्टर क्या हुआ, डी टॉक्टर, ओके, डी डॉक्टर इज द वर्ड मीन्स डॉटर, डी डॉक्टर, एंड प्लूरल में क्या होता है, ओ बिकम्स ओ उमलाउट, डी ट्योक्टर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कंजुगेशन ऑफ हाबेन, मगर यहाँ पे हमने किया क्या, जो हाबेन वर्ब है ये मेनली इसके दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। नंबर वन होल वर्ब, होल वर्ब बोले तो मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। दूसरा क्या है, हिल्स वर्ब, हिल्स वर्ब मीन्स, हिल्स वर्ब मीन्स जस्ट गेस, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला जिसका फंक्शन है वो हम आगे करेंगे, दैट इज मेजरली यूज्ड इन परफेक्ट टेंस, परफेक्ट बिल्डो। यहाँ पे हमने जो इसका यूजेस किया, जो एप्लीकेशन किया, दैट इज बीइंग यूज्ड एज ए मेन वर्ब। नाउ सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन इन अ मिनट और टू एंड देन वील कॉल इट अ डे। हैपन इज द वर्ब, ईएन उड़ा दीजिए, जो बच गया वो क्या है, रूट वर्ड, रूट उसका बन गया, जैसे संस्कृत में होता था ना धातु, गम धातु, याद करिए, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, बेसिकली वो गम धातु होता है, फिर उसका फॉर्म बनता है, उसी तरीके से मान लीजिए आप सिमिलरिटी के लिए। इह का क्या है, ई लगा देते हैं तो इह का कंजुगेशन हो जाता है। सो इह हैब, एंड देन यू पुट सम ऑब्जेक्ट, आई हैव अ बुक, इह हैब एन बुक, मतलब इह हैबन का मतलब क्या है, यहाँ पे सेंस क्या है। व्हेन यू से इह हैब एन बुक, व्हेन यू से आई हैव ए कार, दैट मीन्स यू आर द ओनर ऑफ दैट थिंग, दैट इज योर प्रॉपर्टी, यू हैव द ओनरशिप, ठीक है, वो आपकी चीज है, संपत्ति है, आपका उस पर हक है, ठीक है, मालिकाना हक है, दैट इज द सेंस। डू हस्ट आइन हेफ्ट, हेफ्ट इज नोटबुक, साथ साथ जो भी वोकैब आपको मिलता है साथ साथ उसको लिखते चलिए, मोबाइल में टाइप करते चलिए, कंप्यूटर पर लिखते चलिए, उससे प्रैक्टिस होता है, एंड यू ऑल्सो रिमेंबर द आर्टिकल। एयर हट, एयर जी एस, इन तीनों का कंजुगेशन हमेशा सेम होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगली बार से हम जो भी कंजुगेशन करेंगे इन तीनों को एक साथ क्लब करके करेंगे। एयर हट आइन श्वेस्टर, जी हट आइन एन ब्रूडर, एस हट आइन अ पूपा, पूपा इज टॉय डॉल गुड़िया। एयर हाफ्ट,
ईयर का जो है हाफ तो होता है, ईयर हाफ दी हैंडीज, हैंडीज मोबाइल, यहाँ पे एज ए प्लूरल आया है। वी हैव एन हाउस, वी हैव अ कार, जी हैव एन स्वाई किंडर, दे हैव टू चिल्ड्रन, स्वाई इज टू, जी हैव एन ऑटो। सो ये लास्ट वाला जी है वो आप वाला है, आप एंड आप लोग, मतलब आपके पास एक कार है या आप लोगों के पास एक कार है, दोनों सेंस में सेम सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन दैट आई गिव यू टुडे, टिल देन ऑफ विद जेन।